बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में विपक्ष जहां सत्ता पक्ष के खिलाफ मजबूत होकर मैदान में उतरने को तैयार है, तो वहीं एनडीए में तकरार बढ़ती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश सरकार को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते और अब उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा है, जिस पर जेडीयू ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह को सलाह दी है। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ाने में लगी है, तो वहीं बिहार एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी और जेडीयू में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। कभी जल जमाव को लेकर बीजेपी जेडीयू को अपने निशाने पर लेती है, तो कभी कानून व्यवस्था को लेकर। अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सहयोगी को कटघरे में खड़ा किया है, जिससे जनता दल यूनाइटेड असहज हो गई है। जी हां, गिरिराज सिंह का बेकाबू अपराध को लेकर सवाल उठाना जेडीयू को तनिक भी रास नहीं आ रहा। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गिरिराज सिंह बार बार किसी न किसी बहाने गठबंधन धर्म को लेकर पहले भी आरोप लगाते रहे हैं। गठबंधन धर्म के निर्वहन में उनकी ओर से ईमानदारी नहीं बरती जा रही। राजीव रंजन ने गिरिराज सिंह को ट्विटर पर सियासत नहीं करने की सलाह देते हुए कहा कि इन सवालों को लेकर अगर इतनी ही चिंता है तो गिरिराज सिंह को प्रशासन की मदद लेनी चाहिए, ट्विटर पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बयान गिरिराज सिंह की पहचान बन गए हैं। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से परिचित है और दोषियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। पूरी तत्परता से आरोप पत्र दायर करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजीव रंजन ने कहा कि ऐसे मामलों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानबाजी करने की बजाय पार्टी फोरम में बात रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। वहीं विपक्षी दल आरजेडी को गिरिराज का जेडीयू पर तंज खूब रास आ रहा है। आरजेडी ने कहा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कप्तानी में 2020 का चुनाव लड़ेंगे और आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अब कौन सही बोल रहा है, पीएम मोदी या फिर सीएम नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।